सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस. मतलब के सक्सेस है अगर वो आपके पास आ सकती है तो सिर्फ एक्सपीरियंस से, और एक्सपीरियंस अगर आ सकता है आपके पास वो आ सकता है खराब एक्सपीरियंसेस से. ये नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है. अरे मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकती. मैं क्या नहीं कर सकते आप? क्या फर्क है उनमें, डॉक्टर कलाम में, मुझ में, या ऐसे और पता नहीं कितने आए और कितने गए और कितने और आने वाले हैं? क्या फर्क है? एक झूठ है जो जाकर के आपके दिमाग में किसी ने घुसा दिया है कि फर्क है, फर्क है, फर्क है, उनके अंदर कुछ स्पेशल है, उनके अंदर कुछ स्पेशल है. अरे किसी के अंदर कोई स्पेशल नहीं है, कुछ नहीं है. जिसका डिजायर जितना बड़ा है उसकी सक्सेस उतनी ही बड़ी है. चाहे वो जॉब इंटरव्यू हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कुछ भी हो पूरी दुनिया में, वो सिर्फ मुश्किल लगता है. असलियत में ना तो वो मुश्किल होता है ना आसान होता है. कुछ लोग जो मानते हैं कि उनके लिए मुश्किल है, तो आज नहीं तो कल वो उनके लिए मुश्किल होता ही चला जाता है, होता ही चला जाता है. और जो मान लेते हैं कि उनके लिए आसान है, तो उनके लिए वो आसान होता ही चला जाता है. आप इमेजिन करो, एक क्रिकेट का मैच है, आप यहाँ पर बैटिंग, आप स्टूडेंट, पीछे कोई विकेट नहीं. ये लाइफ का गेम है, क्रिकेट का गेम नहीं है. क्रिकेट से रिलेटेड है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन ये जिंदगी है. आप यहाँ पर बैटिंग कर रहे हो, पीछे कोई विकेट नहीं है, कोई विकेट कीपर नहीं है, कोई और प्लेयर्स नहीं, सामने से लाइव जिंदगी है जो एक के बाद एक बॉल फेंकती चली गई. बॉल आई, एक बॉल आई, आपने बैट घुमाया, वो बॉल छूट गई, पीछे निकल गई, पीछे निकल गई. अब आप क्या करोगे? सुसाइड करोगे? एक बॉल छूट गई, समझना इस बात को जो मैं बोलने वाला हूं. एक बॉल छूट गई, सुसाइड करोगे? आप पेरेंट्स हो, आपके बच्चे से एक बॉल छूट गई, क्या कहोगे उसको? मर जा. क्या कहोगे उसको कि तू हार गया, जिंदगी से हार गया, अब तू कुछ नहीं कर सकता, तू किसी काम का नहीं है. लाइफ वहां तक नहीं है जहां तक आप सोच रहे हो, आपकी सोच से परे है. जहां तक आपकी सोच नहीं पहुंच सकती वो है असली जिंदगी. तो हुआ क्या, एक बॉल छूट गई. वो बॉल क्या थी? वो एक अपॉर्चुनिटी थी जो नंबर्स के रूप में आपके सामने आ रही थी, एग्जाम्स के रूप में आपके सामने आ रही थी कि भैया 12th के एग्जाम्स हैं सामने से. जिंदगी ने एक अपॉर्चुनिटी फेंकी, वो निकल गई. मैं ये नहीं कह रहा वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी, थी, मान लिया नंबर आ जाते तो ठीक है, कुछ अच्छा हो जाता, निकल भी गई. क्या फर्क पड़ता है भाई? लाइफ का सिर्फ एक काम है, वो एक के बाद एक बॉल फेंकती चली जाएगी. एक बॉल आई एग्जाम्स की, निकल गई, कोई बात नहीं. एक दूसरी बॉल आएगी कोई और चीज की आएगी, फिर कुछ और आएगी. अरे हजारों बॉल्स आएंगी जिंदगी में. ये बॉल्स क्या है? अपॉर्चुनिटीज हैं. कोई छोटी अपॉर्चुनिटी है, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी. जिसको आप बड़ा समझ रहे हो वो छोटी है, और जिसको छोटा समझ रहे हो कई बार वो बड़ी होती है. सामने से आई, एक बॉल आई, निकल गई, क्या फर्क पड़ता है? नंबर आ गए तो बढ़िया है, नहीं आए तो और बढ़िया है. बॉल मिस हो गई, कोई बात नहीं, तैयार रहो. बैठ करके रोना नहीं है, साइड में जाकर के बैठना नहीं है कि मैं बर्बाद हो गया, मैं टूट गया. पिच पे डटे रहना है. एक बॉल निकल गई, कोई बात नहीं भाई, शॉट लग जाता तो बढ़िया था, नहीं लगा और बढ़िया है, तो दूसरी बॉल आ रही है. देखो, खेलो, अपना ध्यान पिच के ऊपर रखो, लाइफ की तरफ रखो. दोबारा एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, फिर आपने बैट घुमाया, फिर मिस, दूसरी बॉल मिस, दूसरी अपॉर्चुनिटी थी मिस. दुनिया की नजर में आप फेल हो रहे हो, लेकिन आप डटे हुए. आपको खेल समझ आ गया है जिंदगी का, आपको समझ आ गया है कि एक इवेंट में फेल होने की वजह से लाइफ में फेल नहीं होते. एक इवेंट का एंड लाइफ का एंड नहीं है भाई. लाइफ के अंदर हजारों लाखों इवेंट्स आने वाले हैं, और एक एक करके बॉल आ रही है. तीसरी बॉल आई, बैट घुमाया, फिर मिस. चौथी बॉल आई, बैट घुमाया, फिर मिस हो गई. पांचवी बॉल आई, फिर बैट घुमाया, फिर मिस हो गई. छठी बॉल आई, आगे भाई लिया छक्का, सारा खेल पलट जाएगा एक दिन के अंदर अंदर. वो एक दिन. अगर इस दुनिया में कोई भी काम है जो आप दिल से करना चाहते हो, अपने अंदर से करना चाहते हो, और उस काम को इस दुनिया में एक भी ऐसा इंसान है जो कर रहा है, तो आप भी खेल खेल में उस काम को कर सकते हो.